हाँ जी जनाब, क्या हाल चाल है? ये तो अच्छी गुजरगी आपकी? सबकी अच्छी ईद गुजरगी। गुड। फाइन। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वेरिएंसेस पे थे हम। फाइन, वेरिएंसेस का हमने क्या करना है, क्वेश्चंस देखते हैं सबसे पहले इसके वेरिएंसेस के। वेरिएंसेस के क्वेश्चंस वेरिएंसेस के क्वेश्चंस जस्ट मैं एक मिनट क्वेश्चन बैंक से हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जस्ट एक मिनट, बहुत बड़ा किया है इसको। क्वेश्चन बैंक यार, क्वेश्चन बैंक निकालना है। एक मिनट, ये क्वेश्चन बैंक नहीं, क्वेश्चन बैंक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? सीमैक यार, स्टडी टेक्स्ट तो यहाँ से निकल आती, लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं होता। मैं ये जो स्टडी टेक्स्ट आपके ऑफिशियल ऑनलाइन से निकाला है, तो ऑफिशियल ऑनलाइन पे होते हैं ये क्वेश्चन मार्क? मैंने कैंपस अभी चेंज किया है, तो इनके पास पता नहीं पड़ी हुई कि नहीं पड़ी हुई, मैं इसलिए ये स्टडी टेक्स्ट मैंने ऑनलाइन निकाली यहाँ से, ऑनलाइन सर्च करके तो ये निकला है स्टडी टेक्स्ट। कुछ है आईडी किसी को?
ICAP की वेबसाइट यार, ये ICAP ही ना, ये नहीं, चलो ICAP की साइट में ओपन करता हूँ। ये ICAP की साइट है, यहाँ पे क्वेश्चन बैंक जो हमारी स्टडी टेक्स्ट होती है, क्वेश्चन बैंक होता है, क्वेश्चन बैंक में जो सवाल है वो करने हैं हमने। स्टडी रिसोर्सेस नहीं, इस पे भी क्लिक कर लिया। अब इसके अंदर ऑनलाइन बुक्स का आई थिंक यही है, इस पे क्लिक कर लेते हैं। कोई लॉगिन बताया मुझे जरा, मैं यहाँ पुट करूँ। कोई एक आप में से बता दे यार। बता दो यार, हमें कंटिन्यू करना है। कोई एक बताए, अभी इसको हम डिलीट भी कर दूंगा। Three 02 पासवर्ड तो चेंज हो जाता ना, आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। 05/05/1996 इनमिनट कैसे हो गया? 89302, ये तो वैसे के वैसे ही। डेट ऑफ बर्थ कैसे एंटर करनी है? स्लैश नहीं डालना है इसमें, विदाउट स्लैश 05/05/1990। अच्छा विद स्लैश है, तो स्लैश तो मैंने पहले डाली है, फिर क्या चेक करें? 05 स्लैश, चलिए फिर डाल दूंगा स्लैश 05 स्लैश 1996। चलें जी, अब यहाँ भी हमारे पास कहाँ होगा ये क्वेश्चन बैंक, कहाँ पे होगा? क्वेश्चन बैंक कहाँ पे होगा जो हमें चाहिए मेन? ऑनलाइन बुक्स में होगा, यहाँ होगा ऑनलाइन बुक्स में, ऑनलाइन बुक्स में होगा। ठीक है, ऑनलाइन बुक्स के अंदर देखिए, ये तो सारे वो आ रहे हैं ना, स्टडी टेक्स दिखा रहा है, नहीं क्वेश्चन बैंक भी है। CAF 08 में आई थिंक जाके चेक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बैंक यही है, थैंक यू सारा बेटा, थैंक यू वेरी मच, आपको इसका इसके अजर देगा इंशाल्लाह। लेकिन क्वेश्चन पे मूव करते हैं, हमने वेरिएंसेस पढ़ा था, अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। क्वेश्चन वेरिएंसेस के फॉर्मूले तो आपके माइंड में होंगे ना अभी भी? ठीक वो तभी नहीं आप बोले, मैं
मैंने कहा था कुछ सवाल करने भी हैं आपने, तो बेसिक सवाल से मैं स्टार्ट करूंगा। बेसिक सवाल, कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, टीचर्स का बहुत रिगार्ड करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अल्लाह ताला उनको उनके अकॉर्डिंगली फिर अजर भी देता है। ठीक है, मैं काफ़ी अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, 10 साल तो मुझे हो ही गए हैं पढ़ाते हुए, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है मेरा, फॉरेन कंट्रीज में आना जाना भी होता है। तो लाइक अगर मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो कुछ लोग ऐसे स्टूडेंट ही होते हैं हमारे जो एयरपोर्ट पर मिलते हैं, देखते हैं यार ये सारा है, और वो नज़र चुरा लेते हैं, यार सारे मिलना पड़ेगा, भागो पार करवाया हमें। अब कुछ लोग खुद आगे मिलते हैं, सर मैं आपसे पढ़ा हूँ फलां फलां जगह से, आपसे कोचिंग ली हुई फलां फलां, आप ये हैं फलां, याद भी नहीं होता यार ये पढ़ा हुआ, तो बड़े खुशी होती है बच्चे को मिल के यार कि हमारा बच्चा ये दुनिया की इस कंट्री में ये फलां जॉब पे है, फलां डेजिग्नेशन पे है, तो बहुत अच्छा लगता है उसमें। तो ये डिपेंड्स ऑन योर मेंटल बिहेवियर, कि आपकी थिंकिंग भी सारा डिपेंड कर रहा होता है। खैर तो जी 10.4 से स्टार्ट कर लेते हैं, ये एक बेसिक सवाल, इससे पहले छोटे छोटे सवाल ही हो जाएंगे। 10.4 एक बेसिक सवाल, हम दरमियान दरमियान उससे सवाल उठाएंगे। अभी एक बेसिक सवाल है जिसमें बेसिक बेसिक सारे फॉर्मूले अप्लाई होंगे, पहले एक बेसिक करते हैं फिर इसी तरह एडवांस और आगे चलते हैं। फॉर्मूले वही बेसिक फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो कुछ में क्या होगा, सीधी सीधी रिपोर्ट बननी होगी, कुछ में क्या होगा रिवर्स वेरियंस आना होगा, तो ये 10 नंबर के, 6 नंबर के, 8 नंबर के वेरियंसेज आ जाते हैं, दो दो नंबर के करके वो 5 फॉर्म आपको वेरियंसेज पूछ लेता है, या 4 वेरियंसेज पूछ लेता है, ये बात का 2-3 वेरिएंसेस पूछता है, रीजन कहता है एक्सप्लेन कर दे, रीजन पूछ लेता है, लाइक दिस इस तरह से सवाल आ रहा होता है। तो ये 10.4 क्वेश्चन, तो पहले बेटा सब लोग ये 10.4 क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पहले देख लें, सिंपल आपके मटेरियल का प्राइस रेंज निकालना है, मटेरियल यूसेज। अच्छा बाकी सवाल भी मैं उठाऊंगा, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू या मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू जो रिपोर्ट बनानी होती है उसके अंदर वेरियंसेज तो यही चल रहे होते हैं, उसमें सेल के वेरियंसेज और होंगे बस, बाकी यही वेरियंसेज होंगे। अल्टीमेटली आपने वेरियंस ही निकालना होता है, डेटा ये इसका कुछ यू समझने आपके स्टैंडर्डाइज किस्म का होता है, यानी फिक्स ही होता है। इस फॉर्मूले की जो मैं अप्लाई करके भी दिखाऊंगा ना आपको, तो बताऊंगा कि कुछ चीज़ें हमेशा इसी तरह से गिवन होती हैं, एक्चुअल हमेशा कैसे गिवन होता है और स्टैंडर्ड हमेशा उसमें कैसे गिवन होता है, तो कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड वे से ही गिवन होती है, तो हम उसी तरह से उसको लेके चले जा रहे होते हैं। ठीक हो गया, चलें जी अब क्वेश्चन के, 1 मिनट खड़ा, 2-3 मिनट ले जरा इसको पढ़ ले जरा 10.4, तो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, हम जल्दी से इसको पहले सॉल्व करेंगे फिर हम आगे चलेंगे। चलो सब लोग इसको रीड करेंगे, बाकी लोग लोग भी अभी ज्वाइन करेंगे, आप इसको रीड करेंगे, 1 मिनट में मैं इसको सॉल्व करूँ।
हाँ जी, क्वेश्चन रीड हो गए ना? वो भी सॉल्व ना हो। चलें सबसे पहली बात, चलें हम एक सीक्वेंस से बड़े चलेंगे। मटेरियल प्राइस वेरियंस, हाँ जी, मटेरियल प्राइस वेरियंस क्या कहते हैं? मटेरियल प्राइस वेरियंस का क्या फॉर्मूला होता है, किसी को है आइडिया जरा? एक मिनट, प्रोजेक्टर मैं ऑन करवा दूँ, प्रोजेक्टर ऑन हो ही रहा है बस। हाँ जी, हम इसमें एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स लेते हैं, सवाल में देखेंगे अभी हमें एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स सवाल में देखें कितने हैं वो। एक तो एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स लेते हैं इनटू एक्चुअल यूसेज पर यूनिट लेते हैं। अब एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स को मल्टीप्लाई करें एक्चुअल यूसेज पर यूनिट, एक्चुअल क्वान्टिटी वैसे निकलाएंगे हमारे पास, हम कितनी क्वांटिटी यूज कर रहे हैं। तो सवाल में देखेंगे कि सवाल में हमें डेटा किस तरह से दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे पुट करते जाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। तो इस सवाल के अंदर अब एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट देखते हैं सबसे पहले, नहीं मटेरियल प्राइस वेरिएंस, प्राइस का चेंज होगा तो एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट इनटू एक्चुअल यूसेज पर यूनिट मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी आती है। तो एक्चुअल क्वांटिटी को फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअल रेट के साथ, फिर एक स्टैंडर्ड रेट के साथ डिफरेंस आता है, वो हमारे पास प्राइस वेरियंस होता है। तो यहाँ अगर आप सवाल में देखें तो क्या कहा जा रहा है, अगर आपने पूरा सवाल पढ़ा तो देखें जरा। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही यही फॉर्मूला सारा बेटा, एक्चुअल यूसेज ले लेंगे और यानी एक्चुअल क्वांटिटी कह लें आप इसको, एक्चुअल क्वांटिटी ले लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस, इसका डिफरेंस होगा, ये प्राइस वेरियंस है। अब ये सवाल में कहते हैं ड्यू टू द पावर फेलियर 10,000 आवर्स पर लॉस, अच्छा ये दिया हुआ आगे कॉस्ट ऑफ मटीरियल परचेज एंड यूज, ये टोटल कॉस्ट दी गई आपको, एक्चुअल कॉस्ट 825,000 ये एक्चुअल कॉस्ट दी गई आपको। रेट पर डायरेक्ट लेबर आवर ये दिया हुआ है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट दी हुई, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट दी गई। अब ये आपको टोटल कॉस्ट 825,000 ये टोटल कॉस्ट दी हुई है, ठीक है, इसके ऊपर आता हूं मैं। तो फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द पीरियड वन, बजट आउटपुट कितनी दी हुई 25,000 यूनिट से, यानी ये आपके एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट से 25,000। आगे एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस बताया हुआ है, एक्चुअल आपने, अच्छा ये बजटेड था, अब एक्चुअली आउटपुट कितने प्रोड्यूस किया आपने 20,000 यूनिट, एक्चुअल आपकी यूनिट्स हैं। यूनिट सोल्ड कितने 15,000 यूनिट्स हैं। मटेरियल इनपुट इनटू द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में कितने आपने मटेरियल इनपुट किया जनाब, वो आपका है 120,000 किलो, ये बेसिकली हमारे पास है मटेरियल इनपुट इनटू द प्रोडक्शन, ये कितनी क्वांटिटी आपने यूज की है। मटेरियल परचेज कितना है 200,000। अब मटेरियल यूज जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है वो कितना है 120,000, तो 120,000 के अकॉर्डिंग हम इसको ट्रीट करेंगे। मटेरियल परचेज है 200,000 है, लेकिन जो मटेरियल यूज हुआ है 120,000 है। अच्छा इसके इसके बाद डायरेक्ट लेबर आवर्स ये भी दिए, पेड कितने हैं 500,000 लेबर आवर्स दिए। इससे पहले हमारे पास जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी दी हुई डायरेक्ट मटेरियल की कि 5 किलो यूज होता है, और स्टैंडर्ड प्राइस दी हुई, प्राइस क्या फिक्स पर किलो है, स्टैंडर्ड कॉस्ट मल्टीप्लाई करके 30 दी हुई। इसी तरह से डायरेक्ट लेबर भी स्टैंडर्ड इसके आवर्स दिए, रेट पर आवर भी दिया हुआ, मल्टीप्लाई करके स्टैंड कॉस्ट दी हुई, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी हमारे पास स्टैंड आवर्स दिए हुए, रेट पर आवर दिया हुआ, मल्टीप्लाई करके स्टैंड कॉस्ट, इसी तरह फिक्स भी दिया हुआ। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास बिल्कुल आपने ठीक लिखा हुआ है कि हम इसको, यानी अगर मैं इसको सिंपली यहाँ पे सॉल्व करूँ तो हाउ कैन वी सॉल्व, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, हम इसको यानी हमने यू नॉर्मली करना होता है एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स कह रहे हैं इनटू एक्चुअल यूसेज इनटू, अब एक तो हम यहाँ लेंगे स्टैंडर्ड प्राइस या स्टैंडर्ड रेट और एक एक्चुअल रेट, इसी तरह एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स इनटू एक्चुअल यूसेज और ये आगे हमारे पास एक्चुअल रेट, ये जो है हमारे पास इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये क्या आ जाता है हमारे पास एक्चुअल यूसेज। तो ये अगर ये शॉर्ट फॉर्मूला बनेगा तो यही बनेगा कि एक्चुअल यूसेज है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, तो हमारे पास वेरियंस आ रहा होगा। इस सवाल में एक्चुअल यूसेज कितना है 120,000 किलोज है इनटू स्टैंडर्ड प्राइस कितनी दी हुई बेटा 120,000 की, स्टैंडर्ड प्राइस सवाल में कितनी दी हुई, स्टैंडर्ड प्राइस कितना गया, स्टैंडर्ड प्राइस कितनी दी हुई हमारे पास यहाँ पे, अब ये स्टैंडर्ड अब 6 पर किलो दिया हुआ है, 5 किलो इस्तेमाल होते हैं, 6 पर किलो है, ठीक है 6 पर किलो ये स्टैंडर्ड है जब, ठीक है जी। तो 6 को हम यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो 6 माइनस अब एक्चुअल प्राइस, यार एक्चुअल प्राइस यहाँ पे गिवन है, अब एक्चुअल प्राइस यहाँ पे नहीं गिवन, अब एक्चुअल पूरी कॉस्ट ही गिवन है यहाँ पे,
ठीक है, हम यू कर लेते हैं। अब आप ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे इसको तो 120,000 इसको मल्टीप्लाई करें बड़ा 6 के साथ, यूं समझ लें यहाँ आएगा 120,000 मल्टीप्लाई किया 6 के साथ तो क्या आता है, 127 मल्टीप्लाई 6 आई थिंक 720,000 यूं आ जाएगा। ठीक हो गया, 720,000 आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया। ये क्या है, ये स्टैंडर्ड। अब एक्चुअल क्या है, अब एक्चुअल हमारे पास किलो इसको एक्चुअल रेट तो नहीं गिवन, लेकिन एक्चुअल पूरी कॉस्ट ही गिवन है। तो एक्चुअल पूरी कॉस्ट सवाल में कितनी गिवन थी हमारे पास, तो एक्चुअल पूरी कॉस्ट जो हमारे पास सवाल में गिवन है, दैट इज हमारे पास अभी गिवन थी यहाँ पे 825। यस दिस इज, तो 825 को हम यहाँ पे क्या करते हैं, 825 वी विल पुट हियर, 825 दिस इज 825,000, उसको यहां से हम माइनस कर लेते हैं बेटा, क्या आंसर आएगा हमारे पास, करें माइनस, दिस इज 105,000, ऐसा ही है, 105,000 आ जाएगा। क्यों भाई, 105,000 नेगेटिव आ रहा है, तो हमारे फॉर्मूले के मुताबिक क्या आएगा, ये एडवर्सरी के साथ आएगा। ठीक हो गया, दिस इज। अच्छा, हम ऐसा भी कर सकते थे, हम रेट निकाल भी सकते थे, या नहीं, मैं ऐसा भी कर सकता था, मुझे पता था यार 825,000 एक्चुअल कॉस्ट है, एक्चुअल किलो कितने यूज हुए, 120 यूज हुए, तो 120 से डिवाइड करके ना मैं इसको रेट निकालता, उस रेट को मैं ला के यहाँ फिट करता, तो फिर भी यहाँ से ये निकलना था, तो ऐसा भी कर लेते। तो रिवर्स वजह से जब हम कर रहे होंगे तो उसमें हम अक्सर ऐसा कर रहे होंगे, हम ऐसे यूज कर रहे होंगे, तो हमारे पास एक्चुअल क्वान्टिटीज जब उस तरह से गिवन होंगी, हम उनको अप्लाई करके इस तरह से ट्रीट कर रहे होंगे, तो वो विल ट्रीट लाइक दैट, तो उसमें यहाँ पे हम ऐसे चीजें अप्लाई कर रहे होते हैं। डन हो गया, इसमें कोई मसला भी, डन, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं बेटा, हाँ जी, नेक्स्ट, यार डाउनलोड किया, इसमें देखते हैं नेक्स्ट वेरिएंस कौन सा बेटा, जल्दी जल्दी, मतलब यूसेज वेरिएंस, जल्दी इसका फॉर्मूला क्या है जनाब, जल्दी इसका फॉर्मूला क्या है, वेरी सिंपल फॉर्मूला, अगर आपको याद है यू कैन सॉल्व वेरी इजीली क्वेश्चन। हाँ जी, स्टैंडर्ड यूसेज माइनस एक्चुअल यूसेज बिल्कुल ऐसी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट पर केजी के साथ बेटा। नहीं, अगर मैं यहाँ पे इसको डिटेल में मेंशन करूँ तो वी कैन मेंशन लाइक, हम इसको इसी तरह से मेंशन कर सकते हैं, वी कैन से दैट, इसी तरह से बेटा, फिर उस पर आता हूँ, फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है इसमें। तो ये क्या आएगा हमारे पास, यानी एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड यूसेज पर यूनिट कह लें आप, और एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स इनटू एक्चुअल यूसेज पर यूनिट कर लें, ऊपर क्या ये क्या है, इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी या स्टैंडर्ड यूसेज आ रहा है, ये क्या है, ये एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल यूसेज आ रहा है, इनटू मल्टीप्लाई से स्टैंडर्ड रेट से ही होना है हमारे पास, लाइक दिस। तो ठीक है, इस सवाल में क्या हमें क्या कहा जा रहा है, यानी एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स कितने थे हमारे पास, आई थिंक 20,000 दे रहा था, 20,000 की एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास प्रोड्यूस हो रही थी, इन जो स्टैंडर्ड यूसेज पर यूनिट, ये कितना सवाल में, ये सिक्स टाइप या कुछ किया, कुछ दिया हुआ था, देख लेते हैं हम इसको, ये देखें स्टैंडर्ड यूसेज 5 किलो है, 5, तो डायरेक्ट मतलब स्टैंड कितना यूज हो रहा है, 5 किलो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी, 1 यूनिट को बनाने के 5 किलो इस्तेमाल होंगे, इसका रेट स्टैंडर्ड रेट क्या है, वो 6 है, तो ठीक है। अब हमने, अब नीचे वापस आए जरा, नीचे हमने कहा थी कि एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस कितनी, 20,000 यूनिट्स है, और इसके लिए मटेरियल आपने कितने इस्तेमाल किया, मटेरियल पुट इनटू द प्रोडक्शन वो 1,20,000 किलो है, ठीक है, तो ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको यहाँ ये 20,000 एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड यूसेज 5 किलो है, मल्टीप्लाई कर दिया तो 1,00,000 आ जाए, लेकिन हमने कितना एक्चुअली इस्तेमाल किया, 120,000, मल्टीप्लाई कर लें इसको, स्टैंडर्ड रेट 6 है, 6 से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आंसर आता है बेटा हमारे पास, ये आ जाएगा 600,000,
लेकिन हमने कितना इनपुट इनपुट किया, 720 आई थिंक आएगा, 720,000 बेटा। तो क्या आंसर आ रहा है मेरे पास, व्हाट विल द आंसर, दिस इज 120,000 एडवर्ड्स आ रहा है, डन लाइक दिस, आंसर क्लियर, इज इट डन, ठीक हो गया जनाब, ये भी ठीक हो गया, जल्दी अच्छा जी नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा, डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस, हाँ जी रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, सोचिए जल्दी, फॉर्मूले यू शुड क्रैम, सारे फॉर्मूले आपने क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले आपने क्रैम कर ले रहे हैं, हाँ जी लेबर रेट वेरिएंस, जल्दी लेबर का फॉर्मूला जल्दी बताएं, लेबर रेट वेरिएंस, ये लेबर प्राइस कह रहे हैं आप इसको, क्या फॉर्मूला उसका, हाँ जी एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स इनटू एक्चुअल आवर्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारे पास एक्चुअल आवर्स आ जाएंगे, उसमें हम एक्चुअल यूसेज ले रहे थे मटेरियल, यहाँ एक्चुअल आवर्स आ जाएंगे, तो एक्चुअल आवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट, यानी प्राइस के वजह से रेट के वजह से, तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल रेट का फर्क है, बाकी हम यहाँ एक्चुअल आवर्स ही ले रहे होंगे, तो ठीक हो गया, इफ आई विल मेंशन द फॉर्मूला, तो फॉर्मूला में क्या होगा मेरे पास, डिटेल्ड फॉर्मूला में क्यों लिखता हूँ बोला आपके, क्योंकि जब वो जब उसने रिवर्स वेरिएंस पूछ रहे हैं तो डिटेल्ड फॉर्मूले के बगैर नहीं आप सुना, तो हम ये क्या करते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स लेंगे इंटू एक्चुअल आवर्स, ये इसलिए यहाँ भी एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स इंटू एक्चुअल आवर्स, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल टोटल आवर्स आ जाएंगे, तो ये रेट क्या वेरिएंस ऊपर ले लेंगे हम स्टैंडर्ड रेट पर आवर, नीचे ले लेंगे एक्चुअल रेट पर आवर, तो लाइक दिस इस तरह से हमारे पास वेरियंस आ रहा होगा, तो ठीक है, तो सवाल पे मूव करते हैं, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है उसने, अब सवाल में क्या कहा था, एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स कितने हमारे पास 200,000, हमारे पास 20,000 यूनिट्स थी, ठीक है अच्छा जी, अब हमारे पास एक्चुअल आवर्स पर यूनिट नहीं गिवन, लेकिन वैसे दिया हुआ है कि डायरेक्ट लेबर आवर्स पे कितने घंटों के लिए पे किया जा रहा है, 500,000 घंटों के लिए पे किया जा रहा है, तो ये 500,000 घंटों के लिए जो पे करें तो ये डायरेक्ट लेबर आवर्स है, ये डायरेक्ट लेबर आवर पेड है, ये हमारे पास एक्चुअल लेबर आवर्स है जिसके लिए हमने पे किया, तो कितने हैं 500,000, तो 500,000 हमारे पास क्या लेबर आवर्स हैं, ठीक है, एक दफा हमने स्टैंडर्ड रेट लेना और एक दफा हमने एक्चुअल रेट लेना, अब एक्चुअल रेट तो नहीं कि 5,00,000 घंटों का दिया हुआ, अब लेकिन इसकी कॉस्ट दी हुई हम यहाँ पे, अब यहाँ पे कॉस्ट किस दी हुई, हाँ जी हमें क्या बताया हुआ यहाँ पे, अच्छा अच्छा रेट भी दिया हुआ है कि रेट पर डायरेक्ट लेबर आवर बताया हुआ नीचे कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज एंड यूज 825,000 दी हुई, रेट पर डायरेक्ट लेबर आवर वो आपको ₹5 दिया हुआ, यानी एक्चुअल रेट भी गिवन है, तो ठीक है इट्स गुड कि हमें एक्चुअल रेट भी मिल गया यहाँ पे, और ऊपर हमें ये एक्चुअल रेट 5 है और स्टैंड रेट कितना हमारे पास, स्टैंडर्ड रेट कितना दिया हुआ है ऊपर, ये डायरेक्ट लेबर आवर 20 आवर स्टैंड क्वांटिटी है और स्टैंडर्ड प्राइस उसकी 4 आवर्स ऊपर दिए, तो यार स्टैंडर्ड क्या था कि यार एक यूनिट को बनाने के लिए कितने घंटे लगेंगे, यानी रेट क्या होगा, स्टैंड रेट 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 है ₹4 पर आवर, लेकिन एक्चुअली हमने पे किया ₹5 पर आवर, तो ये इसी चीज का फर्क है, तो ₹4 हमारे पास स्टैंडर्ड रेट है, ₹5 हमारे पास एक्चुअल रेट है, तो ₹4 और ₹5 दोनों गिवन है हमारे पास, और एक्चुअल आवर्स पेड वो भी गिवन है 500,000, तो ठीक है वी विल मेंशन हियर दिस इज, यानी इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 500,000, तो 500,000 हमारे पास ये गिवन है, ठीक हो गया 500,000 हमारे पास ये गिवन है, तो ठीक है हम इसको यहाँ पे फिट कर लेंगे इनटू स्टैंडर्ड 4 है, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या है 500,000 घंटे इंटू एक्चुअल रेट 5, तो ये मल्टीप्लाई कर लेगा आप लाइक दिस, इसको मल्टीप्लाई कर ले फिर हमारे पास कितना आ रहा है, तो 50,000, इट्स वेरी सिंपल, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 5, ये हमारे पास आई थिंक एक जीरो मिस किया जा रहा हूँ,
20 मिलियन है, 250 यहाँ एक और जो आएगा, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास 500,000 एडवर्स लाइक दिस इज दैट विल बी द आंसर. फाइन, कोई इशू यहां तक यार, इज इट डन? ये भी हो गया. अब मूव करते हैं हम, नेक्स्ट क्या था हमारे पास? उसने डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस ले ली, यूसेज वेरिएंस, लेबर रेट, लेबर एनी टाइम वेरिएंस. हां जी, एनी टाइम वेरिएंस क्या होता है यार? एनी टाइम आवर्स होते क्या है पहले ये बात, यानी ऐसे आवर्स जिसमें लेबर इज अवेलेबल, लेबर अवेलेबल होती है एंड बींग पेड, हम उसको पे भी कर रहे होते हैं, बट ड्यूरिंग दैट टाइम नो आउटपुट विल बी जनरेटेड, कोई आउटपुट जनरेट नहीं होगी. यानी नंबर वन, लेबर हमारे पास अवेलेबल है, नंबर टू हम उसको पे भी कर रहे होते हैं, नंबर थ्री हमारी की आउटपुट यहाँ पे जनरेट नहीं हो रही होती, तो उसे बोलते हैं कि लेबर का ये आइडल टाइम है कि हमें पैसे देने पड़ेंगे. लेबर हो सकता है मशीन का कोई ब्रेक डाउन हो गया, मशीन खराब पड़ जाती है, लेबर कहता है कि हम तो अवेलेबल हैं, हमें तो पैसे दें, या इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, भाई लाइट नहीं आ रही, काम रुका हुआ है, लेबर कहते हैं मैं तो अवेलेबल हूँ, मुझे पैसे पे करें. तो ऐसा टाइम जिसमें लेबर अवेलेबल होता है और हमें पे भी करना पड़ता है लेकिन उसके दौरान कोई आउटपुट जनरेट नहीं हो रही होती, तो उसे बोलते हैं लेबर आइडल टाइम. ठीक हो गया? तो आइडल टाइम, अगर कोई लेबर का आइडल टाइम है तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे यहाँ पे? हाँ जी, लेबर का कोई आइडल टाइम है तो उसको हम कैसे यहाँ पे ट्रीट करेंगे? तो सिंपल, उसमें आइडल टाइम आवर्स लेते हैं, उसको स्टैंड रेट पर आवर से मल्टीप्लाई करते हैं. बिल्कुल ऐसे बेटा, सारा बेटा बिल्कुल ठीक है. आइडल टाइम आवर्स लेंगे, उसको स्टैंड रेट पर आवर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, आइडल टाइम का वेरियंस आ जाएंगे. तो देखिए सवाल, आइडल टाइम आवर्स कितने हमारे पास? हाँ जी, सवाल में देखते हैं ऊपर. देखें हमारे पास यहाँ भी क्या है, डायरेक्ट लेबर आवर्स पेड, हम कितने घंटों के लिए पे कर रहे हैं उसको? 500,000 आवर्स के लिए हम उसको पे कर रहे हैं. लेकिन उसने यहाँ मेंशन किया हुआ, ड्यू टू द पावर फेलियर, यानी इलेक्ट्रिसिटी के फेलियर की वजह से 10,000 आवर्स वर लॉस्ट. 10,000 घंटे क्या हुआ हमारे पास? लॉस्ट हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही थी जिसकी वजह से हमारे 10,000 घंटे जाया हो गए. यानी एम्प्लॉई अवेलेबल थे, उनको पैसे देने पड़े, लाइट नहीं आ रही थी, पावर ही नहीं आ रही थी, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे, इस वजह से हमारा टाइम यहाँ पे वेस्ट हो गया. तो वो 10,000 आवर्स वर लॉस्ट ड्यू टू द पावर फेलियर, तो वो हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे. सो दिस, ये हमारे पास 10,000 क्या है, ये आइडल टाइम आवर्स है, इसको स्टैंडर्ड रेट पर आवर्स हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो स्टैंडर्ड रेट कितना हमारा? स्टैंडर्ड रेट हमारे पास 4 है. तो सिंपल, वेरी सिंपल, वी विल मेंशन हियर. तो क्या करेंगे यहाँ पे बेटा, जल्दी से जरा मैं इसको, अल्लाह अकबर, आइडल टाइम वेरिएंस, तो मैं इसमें लूंगा आइडल टाइम आवर्स, कितने भी आवर्स हैं इसके, इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर. ठीक हो गया? तो आइडल टाइम आवर्स कितने हमारे पास, अभी हमने कहा 10,000 आवर्स, स्टैंडर्ड क्या ऊपर हमने सवाल में लगाया था 4 का रेट का, तो वेरी सिंपल मल्टीप्लाई करके 40,000. और ये वेरिएंस हमेशा क्या होता है बेटा, ये हमेशा क्या होता है, ऑलवेज रिमेंबर इसको, ये हमेशा एडवर्स ही होता है क्योंकि एडल टाइम ये हमारा एडवर्स ही आ रहा होगा. ठीक हो गया यहाँ का कॉन्सेप्ट क्लियर? ये भी हमने फॉर्मूला कर लिया ना, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. अब इसके बाद ना आप आगे मूव करते हैं. हाँ जी, सब लोग नहीं आए हुए आज, बच्चे काम है, लेकिन कोई बात नहीं यार, हमने खुद ही प्लान किया था कि वी विल स्पेंड मोर टाइम. कोई और लेक्चर तो नहीं ना आज है? अब मुझे ये बताएं, कल लेक्चर है भी और आपका मेरे अलावा कोई और लेक्चर है? कोई है आइडिया किसी को, शायद क्लासेस रिज्यूम हो रही, स्टार्ट हो रही? हाँ जी, हाली कह रही, पता नहीं सारा, आपको कुछ है आइडिया? मेरा नहीं ख्याल भी, और शायद कम ही होगा, या होंगे भी तो सुबह सुबह तो नहीं होंगे शायद. खैर, कल भी मैं क्लास लूंगा इसी तरह से, कल अपने प्रैक्टिस आप कुछ करके आएंगे, थे आज मैं करने के दूंगा, नहीं तो मुझे पता आपने पढ़ा पढ़ा नहीं, ये तो आपने खूब इंजॉय कर ली. लेकिन खैर, और सारी चीजें जल्दी जल्दी करना चाहिए. अच्छा, नेक्स्ट आता है लेबर आइडल वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी विद, हां जी, एफिशिएंसी विद इज द फार्मूला. इसमें क्या है, ये आपके सारे फार्मूले आपने सारे याद रखे हैं बस, बाकी ऑटोमेटिकली होती जाएगी.
वो मुश्किल से मुश्किल चीजें वो आपको रिवर्स रेजिडेंस भी करने को कहेगा ना, उसमें भी गेम क्या होगी, फॉर्मूला, तो जिसको अच्छी तरह फॉर्मूला याद है ना वो फंसेगा कहीं, किसी भी चीज में फंस नहीं रहा हो। हाँ जी देखिए इसमें, अब इसमें एफिशिएंसी, लेबर एफिशिएंसी विद इन स्पेंड, एफिशिएंसी विद इन देखेंगे सर। हम ये एफिशिएंसी को फॉर्मूला, फॉर्मूला की एफिशिएंसी भी नहीं, जल्दी लेबर एफिशिएंसी भी नहीं, जल्दी फॉर्मूला बताएं फिर हम अप्लाई करें उसको। क्यों भी जल्दी बेटा, ये मैं लिखूं, शुड आई मेंशन, मैं लिखूं, देखिए एफिशिएंसी वेरिएंस से क्या फॉर्मूला था हमारे पास, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, दिस इज लेबर एफिशिएंसी का वेरिएंस, ठीक है सर ने बिल्कुल कोशिश की है, गुड कोशिश, गुड ट्राई। देखिए मैं लिखता हूँ इसको, देखिए जरा एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट उसी तरह आएगा, एक्चुअल प्रोडक्शन उसी तरह से ऊपर आएगा, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, यहाँ पे आएगा हमारे पास एक्चुअल आवर्स पर यूनिट, ऊपर हमारे पास क्या है ये, दिस इज व्हाट, ये स्टैंड आवर्स होंगे, नीचे क्या है, ये एक्चुअल आवर्स है। लेकिन एक्चुअल आवर्स में हमें क्या करना है, आइडल टाइम निकाल देना है, आइडल टाइम एम्प्लॉय की वजह से नहीं आता, कंपनी की अपनी प्रॉब्लम की वजह से आता है, वो आइडल टाइम निकाल देना है, और इसी तरह फिर हम स्टैंडर्ड रेट और मल्टीप्लाई हम उसको स्टैंडर्ड से करके हम इसमें वेरियंस निकाल देंगे, फाइन। एक्चुअल प्रोडक्शन स्टैंड आवर्स पर यूनिट और फिर एक्चुअल मान इसी तरह से, तो ये हमारे पास इस तरह से वेरिएंस आ रहा होगा। अब देखते हैं सवाल में, एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स कितने देखेंगे सवाल में, देखने का अब सवाल में हमें बताया हुआ था यहाँ पे एक्चुअली जो आपने यूनिट्स प्रोड्यूस किए वो 20,000 है, 20,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स निकला है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट कितने थे, ये पीछे आना पड़ेगा, मैं यहाँ पे ये दिया कि स्टैंड आवर्स कितने थे, 20 आवर्स, स्टैंडर्ड क्वान्टिटी दी हुई कि एक यूनिट को बनाने के लिए 20 घंटे लगते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, 20 आवर्स, तो 20 आवर्स क्या थे हमारे, स्टैंड आवर्स थे, तो 20 हमारे पास स्टैंड आवर्स थे और स्टैंडर्ड हम यूनिट 20 स्टैंड आवर्स हैं। अब एक्चुअल आवर्स कितने हैं, एक्चुअल आवर्स तो नहीं गेम, एक्चुअल हमें टोटल आवर्स गेम है, पर यूनिट नहीं गेम, तो एक्चुअल हमें कितने गेम थे, 500,000 घंटे, डायरेक्ट लेबर आवर्स रेट 500,000, उसमें बताया होगा 10,000 हमारे पास फेल किया, यानी कि लॉस्ट हो गया, स्टैंडर्ड कितना 4 का रेट है जिसको अप्लाई करना था यहाँ पे, तो ये 20,000 हमारे पास यूनिट्स है इनटू स्टैंडर्ड एवरेज यहाँ पे 20 है, तो मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा हमारे पास, तो ये बन जाएगा आई थिंक 4 लाख बन जाएगा, लेकिन जबकि एक्चुअली एवरेज सारे मिला के हमें कितने दिए हमें 5 लाख के दिए हैं, तो 5 लाख घंटे माइनस उसमें अभी टाइम कितना 10,000 का दिया हमें, इनटू स्टैंडर्ड कितना था वो 4 का था आई थिंक, ऐसे ही निकालेंगे ना क्या वेरियंस आता हमारे पास, 160,000 आई थिंक यहाँ को आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा 490 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, 490,000 मल्टीप्लाई करें बेटा इसको 4 के साथ, करें माइनस इसमें से 360 आई थिंक आ रही है, सारे डबल्स भी नीचे आई जा रहे हैं, दिस इज ठीक हो गया, तो ये हमारे पास एफिशिएंसी बिजनेस भी आ गया, डन, ये भी हमने कर लिया। अब आगे चलते हैं यहाँ पे, वन बाय वन हम देखते जा रहे हैं सारे बिजनेस, इसी तरह से आप डेटा की बात याद है बेटा, डेटा नॉर्मली आपको इसी पैटर्न में ही गिवन होगा, यानी एक्चुअल रेट नहीं गिवन होगा, एक्चुअल सारे आवर्स गिवन होंगे, एक्चुअल रेट नहीं गिवन है, एक्चुअल टोटल कॉस्ट गिवन होगी, डेटा नॉर्मली आपको इसी पैटर्न में ही वो देता है,
इसलिए डाटा ही आपने सही तरह प्रैक्टिस करेंगे, डाटा आपको इसी तरह से दिया होगा और उसी तरह से आपने इसको अप्लाई इस्तेमाल करना होगा। लेकिन जब यहाँ आए मटेरियल प्राइस वेरियंस हमने देख लिया है, मटेरियल यूसेज वेरियंस देख लिया, लेबर रेट, लेबर एट अ टाइम, लेबर एफिशिएंसी टन, वेल पावर रेट, टोटल कॉस्ट वेरियंस, हम यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ टोटल कॉस्ट का कहा, इनके रेट, एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी दोनों मिला दिए होगा उसमें, फिर आगे उसने सारे फिक्स के पूछने हमसे वेरियंसेस। नहीं ये टोटल वेरिएबल वेरिएबल टोटल ओवरहेड्स का फॉर्मूला देखेंगे, क्या फॉर्मूला था, दोनों कंपोनेंट्स इसमें चेंज हो रहे होंगे। टोटल कॉस्ट वेरियंस देखेंगे इसमें देखेंगे क्या दिया डाटा हमें यहाँ पे वेरिएबल का, वेरिएबल ओवरहेड्स को, ये वेरिएबल ओवरहेड्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स गेन इज 70,000, ये एक्चुअल डाटा दिया हुआ है कि एक्चुअली आपके जो वेरिएबल ओवरहेड्स टोटल वो कितने हैं, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स वो है 70,000 के, ठीक हो गया, तो ये एक्चुअल आपके 70,000 के आ गए, ठीक है। अब जाते हो पर डाटा क्या दिया था स्टैंडर्ड, कहते हैं वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने हैं 20 आवर्स हैं, स्टैंडर्ड यूसेज कितने हैं 20 है, 20 आवर्स स्टैंडर्ड रेट कितने हैं 0.2 का, और मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कितनी है वो 4 की आ गई है। पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ कि इसको अप्लाई करवाते हैं, क्या फॉर्मूला था टोटल वेरियंस का, टोटल वेरियंस का फॉर्मूला यहाँ पर टोटल लगाना, मैं नई शीट लेता हूँ यहाँ पर अप्लाई कराते हैं इसको, ले जी वेरिएबल ओवरहेड्स टोटल, टोटल का अब हमने वेरियंस निकालना है, टोटल वेरियंस कैसे निकाल लेंगे, इसमें होता है कि हम एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स ले लेते हैं इनटू, एक तो हम यहाँ ले लेंगे स्टैंड आवर्स और एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स इनटू ये एक्चुअल आवर्स आ जाएंगे लाइक दिस, ऊपर के स्टैंड आवर्स नीचे के एक्चुअल आवर्स, इसी तरह से दूसरा कंपोनेंट भी, ऊपर ले लेंगे हम स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर आवर, यहाँ ले लेंगे हम एक्चुअल रेट पर आवर, इन दोनों कंपोनेंट हमें चेंज करने पड़ेंगे, पर स्टैंडर्ड है नीचे एक्चुअल है। अच्छा अगर हमें रेट वगैरह एक्चुअल रेट दिया हो खुद निकालना हो तो याद रहे बात कि यहाँ से एट अ टाइम नॉर्मली हम माइनस कर लेते हैं, एट अ टाइम नॉर्मली हम क्या करते हैं आइटम यहाँ से माइनस करके हम उसको चला रहे होते हैं, तो हम एट अ टाइम को माइनस करके जो बाकी आवर्स आते हैं उसको एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई करके वो हमें सॉल्व करवाते हैं। अब सवाल में देखते हैं क्या दिया होता है एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स की, तो हमें याद ही होगी कि 20,000 इंटू स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, स्टैंडर्ड रेट पर आवर कितना है, स्टैंडर्ड आवर्स वेरिएबल में देखें आवर्स पर यूनिट 20 घंटे हैं, स्टैंडर्ड रेट कितना 0.2 है, 20 घंटे और 0.2 का रेट है ये, तो स्टैंडर्ड आवर्स 20 आवर्स वही है और रेट कितना 0.2 का रेट भी आएगा, ठीक है ये आ गया। अब एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स इंटू एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएंगे हमारे पास एक्चुअल आवर्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल रेट, अब सवाल में ना तो हमारे पास एक्चुअल आवर्स गिवन ना ही एक्चुअल रेट गिवन, देखें जरा एक्चुअल आवर्स नहीं दिए तो है वो तो लेबर के ये 500,000 घंटे माइनस आई टाइम करूंगा 490, अब एक्चुअल रेट नहीं गिवन, एक्चुअल रेट जब नहीं गिवन होगा याद रहे बात कि जब भी एक्चुअल रेट नहीं गिवन होगा हमें पूरी एक्चुअल कॉस्ट गिवन होगी, एक्चुअल कॉस्ट दी हुई वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स की कॉस्ट है 70,000 की, जैसे 70,000 तो पूरे के पूरे 70,000 में यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो ये हमें एक्चुअल कॉस्ट ही गिवन है, तो यहाँ से 70 माइनस कराएं ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, क्या आता है ऊपर करें मल्टीप्लाई 80,000, यस करें माइनस, दिस इज 10,000, ये हमारे पास क्या निकलेगा दैट इज द फेवरेबल वेरियंस, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये 10,000 हमारे पास फेवरेबल वेरियंस आ रहा है, इज इट डन, क्योंकि ये बात ये होगी इसमें कोई मसला,
वापस आते हैं, वापस डन ये हो गया। अब फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरियंस जनाब, एक्सपेंडिचर वेरियंस लगाया फार्मूला जल्दी, क्योंकि आली आली बताएगा। हाँ जी, क्या होता है फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरियंस, क्या होता है जल्दी जरा मुझे बताएंगे। एक्सपेंडिचर वेरियंस फॉर्मूला बेटा, फॉर्मूला आता होगा तो आप चलेंगे ना आगे, फॉर्मूले इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस अली कह रहे बुक पास नहीं, मेरे बेटा बुक पास नहीं प्लान, हमने बुक पास थोड़ी लेके जाना बच्चे, फॉर्मूले यू हैव टू क्रैम, मैंने पहले दिन बात की थी, ये हमें रट्टा लगाना है, यू हैव टू क्रैम, इससे बहुत ज्यादा रट्टा लगाना है। तो यहाँ से जो 10-12 नंबर का या 8 नंबर का सवाल आना है वो यही है, ये फॉर्मूले ही हमें वहां भी जगह याद है तो एक मिनट नहीं लगना है सॉल्व, ये बहुत जल्दी सॉल्व होता है सॉल्व नहीं। अगर आपको 4 या 5 वेरियंस दे देता है और आपको फॉर्मूले याद है, आप विद इन सेकंड ही चला देंगे, 2 मिनट में ये सवाल पूरा सॉल्व हुआ होता है, मतलब टाइम बहुत सेव होता है, क्योंकि इसमें सारी ये ट्रिक ही होता है, फॉर्मूला आता है वैल्यू पुट करते हैं निकाल देना। ठीक है चले हम देखते हैं इसको, बिल्कुल ये बैचलर ऑपरेट और एक्चुअल ऑपरेट इसी तरह से हम इसको डिफरेंस देते हैं, तो ये वही सवाल पर सवाल आता है। अब सवाल में देखे भैया बैचलर ऑपरेट क्या दिए हैं यहाँ पे, अब बस टोटल ओवर जिंदगी में उसका रेट ही गिवन है यहाँ पे मेरे पास, क्या रेट गिवन है, यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितने, वो 20 आवर्स उसी तरह से स्टैंडर्ड रेट उसका कितने दिए, 5 दिया हुआ मल्टीप्लाई करके, तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कितनी भी है, ये 100 दी हुई है, यानी आप कह लेंगे फिक्स कॉस्ट जो है वो पर यूनिट कितनी है, 100 की दी हुई है। अब हाँ ये है, हम कर सकते हैं कि बजट यूनिट उठाते हैं उसको बजट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, बजट ओवर हेड आ जाएंगे हमारे पास, बजट यूनिट्स को बजट कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे बजट ओवरहेड्स आ जाएंगे, फिर इसी तरह आप एक्चुअल यूनिट्स को और एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन एक्चुअल तो नॉर्मली अगर रेट नहीं गिवन तो एक्चुअल कॉस्ट गिवन होती है, जैसे यहाँ सवाल में देखें आपको फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स दिए हैं 2100,000, मैं फिर बार बार रिपीट करूँ बेटा उसको, उसने ज्यादातर जो डाटा आपको देना होता है उसका डाटा देने का एक पैटर्न होता है, तो इसी पैटर्न से ही आपको डाटा दिया जा रहा होता है, जैसे यहाँ भी दिया इसी पैटर्न से आपको डाटा दे रहा होगा, यानी ये चीज़ दी हुई ये नहीं दी हुई, ये चीज़ दी हुई ये नहीं दी हुई, लाइक इसी तरह इसी पैटर्न से ही वो चीज़ें आपको देता जा रहा होगा, इसी पैटर्न से ही आपने उसको चलाना है। ठीक होगी बात, अच्छा जी तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ पे अब मैं इसमें लिख लूँ आपको फॉर्मूला, पहले लिखता हूँ इसको, हाँ जी क्या फॉर्मूला है इसका हमारे पास, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरियंस है, तो एक्सपेंडिचर वेरियंस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, हाँ जी क्या फॉर्मूला है इसका, मैंने भी बताया कि आपकी नॉर्मली यानी बजटेड यूनिट्स बजटेड यूनिट्स कितने हैं और बजटेड कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपके पास बजटेड ओवरहेड आ जाएंगे, इसी तरह एक्चुअल यूनिट्स और एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट इस को मल्टीप्लाई करेंगे चला जाएगा, ऊपर हमारे पास क्या है बजट ओवरहेड्स, नीचे हमारे पास एक्चुअल ओवरहेड्स। अब सवाल में देखें बजट ओवरहेड्स कितने और बजट कॉस्ट पर यूनिट कितनी, हमें बजट ओवरहेड्स कितने हमारे पास यहाँ पे सवाल में दिए बजट ओवरहेड्स, अब बजट यूनिट्स दिए हमें 25,000 यूनिट्स हैं और बजट कॉस्ट पर यूनिट कितनी दी हुई थी, ये 20 ये आवर्स से रेट पर आवर हमारे पास 5 था, मल्टीप्लाई करके 100 बनना था, तो ये 100 हमारे पास ये क्या है 100 हमारे पास क्या बजटेड रेट कह लें आप, तो बजटेड रेट हमारे पास 100 का दिया हुआ,
तो 100 का रेट चला देंगे हम 25,000, यानी ये 25,000 बचे यूनिट्स हैं और बचे कॉस्ट पर कितनी 100 है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब नीचे क्या है, हमारे पास एक्चुअल यूनिट्स और एक्चुअल कॉस्ट पर नहीं दिए हुए, लेकिन पूरी एक्चुअल कॉस्ट ही दी हुई। तो सवाल में पूरी एक्चुअल कॉस्ट कितनी दी हुई हम यहाँ पे 2100,000, 21 लाख की दी हुई, तो 2100,000 पूरे आ जाएंगे यहाँ पे। तो इसी तरह से वो एक्चुअल यूनिट्स नहीं देता, जब एक्चुअल रेट नहीं देता तो मतलब एक्चुअल कॉस्ट दी होगी आपको यहाँ पे, तो कितना आएंगे 2500,000 ऊपर है, नीचे ये 2100,000 है, तो 400,000 का हमारे पास की फेवरेबल अगर इंसान देख लाइक दिस, ठीक होगी बात यहाँ पे। इज इट डन, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। तो ये हमारे पास 4 लाख का फेवरेबल वेरियंस यहाँ निकला है। This is 6 over expenditure variance. नहीं जी, अब आगे चलते हैं volume variance आप देखते हैं, efficiency variance वगैरह देखते हैं, ये भी हमने कर लिया expenditure variance. Next हमारे पास क्या है, the 6 over volume variance. ये volume variance क्या है जनाब, वॉल्यूम, अब आगे वॉल्यूम एफिशिएंसी भी होता है, वॉल्यूम कैपेसिटी भी होता है, वो भी लगाने होते हैं, लेकिन यहाँ सुने दीजिए। खैर अभी हमने फिर क्या करना है, खाली वॉल्यूम वेरियंस निकालना है। हाँ जी, क्या होता है वॉल्यूम वेरियंस का फॉर्मूला, क्या होता है वॉल्यूम वेरियंस, हाँ जी बेटा बताएं वॉल्यूम वेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है। फिक्स ओवरहेड्स, जल्दी वॉल्यूम वेरिएंस, हरी अब हरी अब, भूल गया वो फॉर्मूला, मैं लिखूं, मैं लिखता हूँ, ठीक है, ठीक हो गया। हाँ जी, तो क्या फॉर्मूला था हमारे पास, थोड़ा डिटेल में मैं लिख देता हूँ। इसमें हम एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स लेते हैं और बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स लेते हैं, ये क्या है, ये वॉल्यूम का वेरियंस, इसी चीज का वेरियंस है, बाकी दोनों चीजें जो हमारे पास आती हैं यहाँ पे, हमारे पास स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट करने और उसको स्टैंडर्ड रेट पर आवर्स से मल्टीप्लाई करने, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट बन जाएगी। इसी तरह ही स्टैंड आवर्स पर यूनिट को स्टैंडर्ड रेट पर आवर्स हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। तो ये दोनों चीजें स्टैंडर्ड ही रहेंगी, तो वॉल्यूम का डिफरेंस आ रहा है, एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स और बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स, तो ये वॉल्यूम का हमारे पास वेरियंस आ रहा होगा, बाकी कंपोनेंट्स हमारे पास क्या है यहाँ पे सेम ही रहेंगे, दिस इज, सो ये हमारे पास क्या है वॉल्यूम वेरियंस, एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स और बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स, तो ये हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्शन यानी वॉल्यूम का डिफरेंस है, बाकी दोनों कंपोनेंट्स हमारे पास सेम ही आ रहे होंगे। अब देख लेते हैं वॉल्यूम सवाल में, हमें है आइडिया बजटेड वॉल्यूम क्या था, एक्चुअल वॉल्यूम क्या था, डिफरेंस आ ही रहा था। तो ये आप अगर देखेंगे बजटेड आउटपुट कितनी दी हुई आपको, 25,000 की दी हुई, 25,000 की दी हुई, और एक्चुअल आउटपुट कितनी दी हुई आपको, ये 20,000 की दी हुई, तो बजटेड आउटपुट 25,000, एक्चुअल आउटपुट 20,000, तो इसका जो डिफरेंस है ये 5,000, ये ही वॉल्यूम का डिफरेंस है। अदरवाइज अगर आप देखें स्टैंड आवर्स पर, स्टैंड रेट पर आवर को उसी तरह से रहेंगे, अगर आप देख लें यहाँ पे फिक्स ओवरहेड्स में कितना दिया, स्टैंड आवर्स पर 20 घंटे, स्टैंड रेट पर आवर कितना 5 है, तो वो उसी तरह से रहेगा, 20 और 25 की जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम का डिफरेंस आ रहा होगा, बाकी सब कुछ वैसे के वैसे रहेगा। तो एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स हमारे पास 20,000 है, बजट कितना था 25,000 का, लाइक दिस, तो इन टू, अब स्टैंड आवर्स 20 है, स्टैंड रेट 5 का था, स्टैंड आवर्स 20 है, स्टैंड रेट 5 का था,
तो देखो मल्टीप्लाई करके वेरिएंस आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। हाँ जी क्या आएगा वेरिएंस? हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे इसी तरह से फिर माइनस करेंगे तो क्या आएगा? पांच लाख के स्टूडेंट्स डन। यहां तक कोई इशू नहीं, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नहीं भी ये भी क्लियर हो गया। अब हमें क्या निकालना था इसके बाद? इसके बाद उसने कहा था आपको टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वेरिएंस। अब टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वेरिएंस निकालना आपने, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि सारे वेरिएंसेस को आपने एडजस्ट करना है। हमने आठ वेरिएंसेस यहाँ पे निकाले हैं, उसमें से कुछ हमारे पास एडवर्स वेरिएंस है, कुछ हमारे पास फेवरेबल वेरिएंस है। सारे एडवर्स वाले भी ऐड कर लेने आपने, सारे फेवरेबल वाले भी आपने ऐड कर लेने। तो जो बड़ी फिगर उसमें छोटी माइनस करके आपने रिमेनिंग बता देने के नेट आपका एडवर्स है या फेवरेबल क्या है, यानी सारे वेरिएंसेस को आपने एडजस्ट करके नेट ऑफ आपने आंसर बताना है कि नेट ऑफ आपका क्या आ रहा है आंसर, कितना फेवरेबल है कितना एडवर्स है। तो वो आपका होगा टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वेरियंस, उसे टोटल वेरियंस का नाम दे रहे होंगे कि टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वेरियंस हमारा इतना आ रहा है, वो हमारे पास टोटल वेरियंस हो गए। यहाँ पर देखें जरा कितना आ रहा है, फेवरेबल से वेरियंस ये एंड वाले हमारे दो ही निकले हैं, बाकी सारे वेरियंस शुरू वाले एडवर्स थे। फेवरेबल तो अभी हमने निकाले हैं, ये अभी जो हमने कितना निकाला है 5 लाख का एडवर्स फेवरेबल, ये 1-4 लाख का हमारा फेवरेबल है, ये देख लें। और ये 10,000 का है, तो 4,10,000 हमारे पास क्या फेवरेबल है? इस 4,10,000 को ऐड कर लें आप ये फेवरेबल, बाकी सारे वेरिएंस एडवर्स में, तो बाकी सारे वेरिएंसेस को ऐड करके 4,10,000 उसमें से माइनस करें तो रिमेनिंग क्या आता है वो बता दें, वो हमारे पास क्या होगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वेरिएंस आ जाएंगे। टोटल वेरिएंसेस आपको नेट ऑफ बता देंगे कि नेट ऑफ हमारा ये वेरिएंसेस आ रहे हैं। डन निकाले जरा अभी, अगर आपने नोट किया तो किया नोट या नहीं, अगर नहीं किया तो मुझे बताएं। बात समझ में आई कि नहीं है? यानी सारे वेरिएंसेस को आपने एडजस्ट कर लेना यार, एक दफा लिखे ना मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूसेज, लेबर रेट, लेबर एफिशिएंसी, लेबर एट टाइम, वेरिएबल ओवरहेड्स टोटल, तो सारे वेरिएंसेस को आपने सीक्वेंस में लिख के सारे फेवरेबल एडवर्स लिख देना, आपने नेट ऑफ कर लेना क्या आंसर आता है वो आपने बताना, दैट इज नेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वेरिएंस। Is it done? हाँ बेटा यहां तक कोई इशू निकाल नहीं यार, नेट ऑफ भी निकाल के बता देंगे कितना वेरिएंस आपका आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे अभी, हम जल्दी बता दें। तो सारे ने बताया 1,215,000 यही होगा। अली आप बताओ,
ठीक है, ये जनाब। तो ये हमारे पास वेरियंसेस कि हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बाकी सारे क्वेश्चन भी ऐसे ही होते जाएंगे। हम जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा, एक मिनट ही आपने डाटा पढ़ना है सर। ये 10.5 में आपने क्या करना है, जस्ट रीड द क्वेश्चन, ठीक है। मैं अभी जस्ट डिस्कस ही करूंगा उसको, हम सॉल्व नहीं करेंगे, बताऊंगा उसको कि कैसे होना है। अच्छा एक और चीज मैं बताऊं, पिछले सवाल के अंदर से जो क्वांटिटी का बताया था ना, मैं यहाँ पे क्वांटिटी का, वो क्वांटिटी में सवाल ने कुछ क्लियर नहीं किया हुआ था। हमने इसलिए जब क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हम यही ज्यूम करते हैं कि क्वांटिटी जितनी यूज हो रही है, हालांकि हमारे पास क्वांटिटी यहाँ पे यूज 120 और सब परचेज 200 करना था। मैं वापस सवाल पे आया हूँ, एक छोटा सा पॉइंट वैसे एक पॉइंट में क्लियर करता हूँ। जैसे यहाँ पे बड़े सवाल में देखें, मटेरियल परचेज कितना था 200,000, लेकिन मटेरियल इस्तेमाल कितना हुआ, यूज पोटेंशियल प्रोडक्शन वो 120 था। तो हम वन, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम 120 के अकॉर्डिंगली ही चलेंगे, ये बात याद रहे। इसी तरह मतलब अगर वो कहता कि नहीं हमें इन्वेंट्री के बारे में वो इस तरह से क्लियर मेंशन ना करता हमें यहाँ पे, लाइक अगर वो हमें स्टेटमेंट थोड़ी घुमा के देता तो हमें बाकी चीज़ों को भी इनकॉर्पोरेट करना है, तो फिर हमारा मैथड चेंज हो जाता है यहाँ पर।
इन्हें जो कहते हैं कि हमने वेरिएंस रिकॉर्ड किया था टाइम ऑफ परचेज, इन्हें इसका वर्डिंग यूज करता है। कोई कहता है कि हमने जब हमने क्वांटिटी परचेज किसी टाइम पर हमने वेरियंस रिकॉर्ड की है, तो हम परचेज की फिर क्वांटिटी इस्तेमाल करते, यूजुअली क्वांटिटी इस्तेमाल ना करते। तो ये क्वेश्चन की उसके वर्डिंग पर गौर करना पड़ता है कि क्वेश्चन में वर्डिंग क्या दे रहा है, किस तरह से दे रहा है, उसकी वर्डिंग के अकॉर्डिंग हम उसको लेके चल रहे होते हैं। ठीक हो गया। ये नॉर्मली क्वेश्चन साइलेंट होता है तो फिर हम उसको साइलेंटली ट्रीट करते हैं कि ठीक है, उसमें कुछ मेंशन नहीं किया, हम इसी तरह से उसको ट्रीट कर देंगे। खैर, जैसे नेक्स्ट सवाल देखें बेटा, नेक्स्ट सवाल में क्या है, आपको सिंपल, वेरी सिंपल स्टैंडर्ड सेल प्राइस दे दी, सेल प्राइस पर यूनिट दे दी आपको, ठीक हो गया। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ये स्टैंडर्ड आपको दे दिया है कि पर यूनिट कितने 0.64 है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 3 है, वेरिएबल ओवरहेड्स कॉस्ट 0.16 है, कंट्रीब्यूशन आपको दी भी 2.2 है, फिक्स ओवरहेड्स आपको 0.2 है, प्रॉफिट 2 का आना हमारे पास डन। ये सारा क्या है, दिस ऑल इज द स्टैंडर्ड, हम ये सारी स्टैंडर्ड कॉस्ट दे दी उसमें, ये सब हमें स्टैंडर्ड डेटा दिया, बस स्टैंडर्ड कॉस्ट ही मैं यहाँ पे दी हूँ गिवन है। तो ये हमारे पास आपको स्टैंडर्ड है। अच्छा, आगे क्या दिया हमें यहाँ पे, द बजट प्रोडक्शन एंड सेल वॉल्यूम फॉर द प्रोडक्ट क्यों वाज 12,000। सब ये बजट बताया हुआ आपको, तो प्लान कितना था आपका, बजट है कि 12,000 यूनिट्स बनाएंगे, और बजट अब लेबर की आवर्स कितने 2400 डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं, 12,000 यूनिट्स के 2400 घंटे हमने प्लान किए, 5 यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस पर आवर, अभी भी स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि एक यूनिट को बनाने के लिए 5 घंटे, वो टोटल कॉस्ट इन स्टैंड आवर्स पर यूनिट मल्टीप्लस स्टैंड रेट पर आवर मल्टीप्लाई करके जो आंसर, वो आंसर आपको वहाँ दिया हुआ था। तो ये आपको बताया हुआ है कि 5 यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस पर आवर, एक घंटे में 5 यूनिट बनाए जाएंगे, तो कितना मनी गिन पर आवर क्या बनेगा, ये 1/5 कर लेंगे तो 0.2 पर आवर निकलाएगा। ठीक हो गया, यानी कि 0.2 आवर्स पर यूनिट निकलाएंगे हमारे पास। स्टैंडर्ड क्या कहते हैं कि एक यूनिट को बनाने के कितने घंटे लगेंगे, 0.2, क्योंकि उसने बता दिया कि 5 यूनिट्स पर आवर प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह हमारे पास स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट भी कितनी दी हुई, 3.2 पर आवर दी हुई स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट। अब स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट 3.2 लेबर कॉस्ट दे दी उसने, तो ठीक है, आवर्स को रेट को मल्टीप्लाई करके निकलाएगा। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट कितनी दी हुई, 1.5 पर केजी, यानी स्टैंड रेट, रेट पर आवर, रेट पर केजी दिया हुआ है, और आगे बताया हुआ है एक यूनिट को बनाने के 2 किलो लगते हैं, ये भी बता दिया उसने। बजट फिक्स ओवरहेड्स दिए हैं हमारे पास 2400 है, और बजट वेरिएबल ओवरहेड्स कॉस्ट पर डायरेक्ट लेबर आवर दी हुई आपको कि 0.8 है। एक्चुअल रिजल्ट फॉर द सेम पीरियड, अब एक्चुअली क्या हुआ, 11,500 यूनिट्स वर मैन्युफैक्चर्ड, हमने प्लान किया था 12,000 यूनिट्स का, लेकिन यूनिट्स बने हैं हमारे 11,500, तो 12,000 की बजाय हम एक्चुअली कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, 11,500 यूनिट्स वर मैन्युफैक्चर्ड। अच्छा, 2320 डायरेक्ट लेबर आवर्स वर वर्क्ड, कॉस्ट ₹7,540। अब ये क्या है, ये आपको बताया कितने घंटे एक्चुअली काम हुआ, एक्चुअल लेबर आवर्स, तो 2320 ये एक्चुअल लेबर आवर्स हैं, और उनकी कॉस्ट कितनी है, 7,540 की कॉस्ट दी है। देन 25,000 किलो तो डायरेक्ट मटेरियल पर परचेज, एक्चुअली आपने कितने किलो परचेज किए, 25,000 किलो परचेज किए, और कॉस्ट कितनी की, 5.48 पर किलो। आगे अदर इन्फॉर्मेशन, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बता दिया उसने इन्वेंट्री स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड पर, और ये एक्चुअल ओवरहेड दे दिए, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड दे दिए आपको, 10,000 यूनिट्स वर सोल्ड फॉर ₹62,600। ठीक हो गया। अब ये सारे वेरियंसेज हमारे पास निकलते हैं कि बार स्टैंडर्ड ऑप्शन कॉस्टिंग स्टेटमेंट बना दें, स्टैंडर्ड मार्जिन कॉस्टिंग स्टेटमेंट बना देना। हाँ जी, मान लीजिए कि स्टेटमेंट को मसला किसी वेरियंस में यार, क्या कह रहे हैं आप, इसमें यू कर लेते हैं कि पीछे हमने कौन सा वेरियंस नहीं किया, वो वेरियंस हम कर लेते हैं, प्राइस की वेरियंस कर लेते हैं, प्राइस की वेरियंस नहीं किया आपने जल्दी से जरा, क्यों भाई, प्राइस की वेरियंस जल्दी से हम कर सकते हैं, उसको हो जाएंगे जल्दी से। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम क्या यूज करेंगे, और मार्जिन कॉस्टिंग में क्या यूज करेंगे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम सारे वेरियंसेस लेंगे, मार्जिन कॉस्टिंग में क्या होगा, फिक्स की वेरियंस हम नहीं ले रहे होंगे, बाकी सारे वेरियंसेस यहाँ पे हम ट्रीट करते जा रहे होंगे। तो जरा निकालें जरा वेरियंस यहाँ पे, जरा हमें सर थोड़ा सा इसमें मैं चाह रहा हूँ कि आप सर वो वाले वेरियंस जो हमने पहले नहीं किए वो कर लें, बाकी सारे हो जाएंगे। मटेरियल प्राइस यूसेज आपने कर लिया, लेबर रेट एफिशिएंसी वगैरह सारे आपने वेरियबल वगैरह कर लिए, आप सेल्स की वेरियंसेस आपने नहीं किए वो बस कर लें, सेल प्राइस वेरियंस और सेल वॉल्यूम वेरियंस।
सेल प्राइस डिफरेंस निकालेंगे ना, क्या सेल प्राइस डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है? हाँ जी बेटा रिप्लाई करें मुझे, क्या फॉर्मूला होता है उसका? ठीक है, एक्चुअल सेल प्राइस बिल्कुल मल्टीप्लाई किया उसको एक्चुअल सेलिंग प्राइस से, एक्चुअल सेलिंग मल्टीप्लाई एक्चुअल सेलिंग प्राइस, बिल्कुल ऐसे। अब एक्चुअल सेल में सवाल में देखिए कितने हैं, अभी आखिरी लाइन में दिया था 10,000 यूनिट्स वर सोल्ड फॉर द 60,600, 10,000 यूनिट्स आपने एक्चुअली सेल किए हैं। और एक्चुअली ये सेल कितने के हैं ये भी मल्टीप्लाई करके उसने बताया कि एक्चुअली आपने इसको सेल किया कितने का, 62,600 का। ठीक है, अब ये तो एक्चुअल सेल भी निकला, अब स्टैंडर्ड प्राइस क्या थी, बजट बजट प्राइस क्या था, वो पर सवाल देखिए। यहाँ ये देखिए यहाँ पहली लाइन लिखा कि स्टैंड सेल प्राइस इज 6, तो सिंपल हम इसका यहाँ डिफरेंस ले लेंगे, तो 62,600 और ये 6 ये आ रहा हमारे पास, तो क्या हो जाएगा सेल प्राइस जो मैंने जल्दी निकाल, हमने पहले नहीं निकाला इसका भी निकाल रहा हूँ। हाँ जी एक्चुअल सेल यूनिट्स और एक्चुअल सेल यूनिट्स इनटू एक्चुअल सेलिंग प्राइस ले लें और बैटरी सेलिंग प्राइस ले लें। अब एक्चुअल सेल यूनिट्स जो है हमारे पास कितने हैं, 10,000 है। अब एक्चुअल प्राइस तो नहीं गिवन लेकिन टोटल बताया होता है 62,600 के टोटल ये सेल हो गए हैं, चलो ठीक हो गया। अब एक्चुअल सेल यूनिट्स कितने हमारे पास, 10,000 यूनिट्स हैं और बैटरी सेलिंग प्राइस 6 की दी गई, मल्टीप्लाई कर रहे ये 60 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2600 ये फेवरेबल के हिसाब के पास आ जाएगा, दे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस विदिंग, यानी हम जो रिपोर्ट बना रहे होंगे तो रिपोर्ट के अंदर जब हम लिखेंगे कि हमारे पास बजट प्रॉफिट है, बजट प्रॉफिट से सेल प्राइस सेल वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें सेल प्राइस को विदिंग मेंशन कर देंगे। अब अगर आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो सेल वॉल्यूम वेरिएंस क्या होगा हमारे पास, सेल वॉल्यूम वेरिएंस। हाँ जी सवाल तो वापस मूव कर रहा हूं मैं, सेल वॉल्यूम वेरिएंस हमने निकाला है, बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रॉफिट आएगा इसमें क्योंकि हम एब्जॉर्प्शन कॉस्ट यूज कर रहे हैं, तो स्टैंड प्रॉफिट कितना है ये देखें, 10.5 में एंड पे लिखा भी हुआ है स्टैंड प्रॉफिट 2 पर यूनिट बनाया हुआ है यहाँ पे, तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट हमारे पास क्या है 2 पर यूनिट, तो हमने जो सेल यूनिट्स का वॉल्यूम डिफरेंस देना है यहाँ पे, एक तो हमारे पास एक्चुअल सेल यूनिट्स और बजट सेल यूनिट्स। अब एक्चुअल सेल यूनिट्स आपने अभी देखिए हमारे 10,000 थे, बजट क्या था, बजट स्टार्ट में एक लाइन में लिखा होता कि 12,000 यूनिट्स का बजट था, तो 12,000 का हमारे पास बजट था, एक्चुअली हमने कितना बनाया यहाँ पे 10,000 हमने एक्चुअली बनाए हैं, 12,000 हमारे पास प्लान था, तो इसी का डिफरेंस आ रहा होगा हमारे पास। ठीक हो गया, तो ठीक हो गया, तो ये थोड़ा सा फर्क है हमारे पास इसके अंदर वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर बेटा, अगर मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज कर रहा हूँ देन मैं लूंगा यहाँ पे एक्चुअल सेल यूनिट्स और बजटेड सेल यूनिट्स, ये एक मल्टीप्लाई कैसे करूंगा उसको स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट के साथ, मल्टीप्लाई इसको हमेशा कैसे करना है स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट के साथ, ये निकाल देंगे हमारे पास। तो सवाल में क्या बताया था हमारे पास 12,000 था, 10,000 आपने एक्चुअली सेल किए, 12,000 आपका प्लान था, और स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट कितना था अभी हमने देखा ये कितना स्टैंड प्रॉफिट पर यूनिट 2 का था, ये 2 को हमें यहाँ से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 20,000 और आई थिंक ये 24,000 डिफरेंस कितना आ रहा है 4,000 का, दिस इज इनवर्स, तो ये हमारे पास यूनिट्स आ जाएगा। इज इट डन, तुम्हें ये बात समझ आ गई,
इसमें कोई मसला? ये कॉन्सेप्ट क्लियर सबको? अच्छा, अब देखिए अगर हम यहाँ पे, हाँ बेटा इसमें कोई मसला? ये मसला क्लियर हो गया ना? This is done. अच्छा अब यहाँ पे अगर हम मार्जिन कॉस्टिंग यूज करें तो दूसरी रिपोर्ट से मार्जिन कॉस्टिंग की तो पूछी हुई, तो उसमें ये थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, तो उसमें सेल वॉल्यूम में क्या फर्क आएगा? क्या उसका सेल वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? सेल वॉल्यूम वेरियंस क्या फॉर्मूला होगा उसमें अगर हम मार्जिन कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं? देन बेटा तो बिल्कुल हम स्टैंडर्ड प्रॉफिट की बजाय क्या यूज करेंगे? हम स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन वहां भी यूज कर रहे हैं. दिस इज, ये डिफरेंस आ जाएगा इसमें, तो वो भी देख लेते हैं. यहाँ सारा कर रहे हैं तो हम इसको भी कर लेते हैं. तो उसमें फिर क्या होगा हमारे पास? हम लेंगे वो फॉर्मूला यही, एक्चुअल सेल यूनिट्स और बजटेड सेल यूनिट्स. एक्चुअल सेल यूनिट्स बजटेड सेल यूनिट्स के फर्क है, मल्टीप्लाई से करेंगे फिर हम स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन से, स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के साथ, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के साथ, स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे. स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हमारे पास आ रहा है? अब एक्चुअल सेल यूनिट्स कितने हमारे पास? उसी तरह से ये 10,000 है और ये कितना है? ये 12,000 है. मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन, सवाल में जाते हैं देखते हैं. स्टैंडर्ड प्रॉफिट तो 2 का गिवन था, फिक्स ओवरहेड 0.2 के हैं, उस पर अगर ऐड करें तो कंट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है यहाँ पे 2.2 का कंट्रीब्यूशन गिवन है. सो कंट्रीब्यूशन इज मेंशन्ड हियर, तो ठीक है. तो कंट्रीब्यूशन क्योंकि गिवन है तो 2.2 वो कंट्रीब्यूशन आप यहाँ पुट कर लें 2.2, देन यू कैन सॉल्व. तो हमारे पास ये आ जाएगी वैल्यू, निकल आएगा ना आंसर? आई थिंक निकल आएगा, समझ आएगी बात सबको. तो आप इसके अकॉर्डिंगली बड़ी आसानी के साथ इसको कर सकते हैं. इसी तरह बाकी सारे वेरियंसेज भी हमारे पास निकलते आएंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा उसमें. हम अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की स्टेटमेंट कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बजटेड प्रॉफिट से स्टार्ट कर लेंगे. बजटेड प्रॉफिट के अंदर हम सेल प्राइस वेरियंस, सेल वॉल्यूम वेरियंस, लेबर रेट, मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूसेज, लेबर रेट, लेबर एफिशिएंसी, वेरिएबल ओवरहेड्स के सारे वेरियंस, फिक्स के भी सारे, हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा. और अगर यहाँ पे हम मार्जिन कॉस्टिंग के थ्रू कर रहे हैं तो फिर हम ऊपर लेंगे बजटेड कंट्रीब्यूशन. बजटेड कंट्रीब्यूशन में फिर हम वन बाय वन हम सेल प्राइस, सेल वॉल्यूम, मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूसेज, लेबर रेट, लेबर एफिशिएंसी, वेरिएबल के सारे वेरियंस, फिक्स के नहीं लेंगे. हमारे पास एक्चुअल कंट्रीब्यूशन वहां पे आ रहा होगा. ऐसा ही है कुछ? चलिए आगे चलते हैं और कोई नई चीज देखता हूँ फिर. अरे ये जो वॉल्यूम वेरिएंस है 10.6 देखें जरा. कैलकुलेट द बजटेड ओवरहेड्स ऑप्शन रेट पर डायरेक्ट लेबर आवर, कैलकुलेट द बजटेड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर और कैलकुलेट द बजटेड ओवरहेड्स. ये रिवर्स वेरिएंस का फॉर्मूला आपको दिया हुआ कहा हुआ है. चलिए इसमें से हम क्या करते हैं कि जस्ट नंबर ए हम सॉल्व कर लेते हैं, सिर्फ नंबर ए. क्या कहते हैं आप? सर नंबर ए सॉल्व कर लेते हैं, बी आपको ट्राई करेंगे, बड़े आसानी से हो जाएंगे आपको. 10.6 जस्ट रीड आउट करें, मैं नंबर ए से जस्ट सॉल्व करूंगा, बी और सी आप कर लेंगे खुद ही.
हाँ ये बल्कि ऐसा करें, ट्राई करें यार, मैं आपको पहले आइडिया देता हूँ, चलिए मैं आपको आइडिया देता हूँ ये कैसे होना, आप फिर ट्राई कीजिएगा। कहते कैलकुलेट द बजट अब्सॉर्प्शन रेट पर डायरेक्ट लेबर आवर। अच्छा सवाल भी जाता हूँ, अब्सॉर्प्शन रेट पर डायरेक्ट लेबर आवर, ठीक है। अब प्रोडक्शन मैनेजर इज टेलिंग द कॉस्ट रिपोर्ट फॉर द सिक्स मंथ पीरियड दैट हैज जस्ट एंडेड। The production department incurred overheads cost of the 680,000 and had under absorption overheads of 46,400. अच्छा ठीक है, under over under the over की बात कर रहे हैं। The actual direct labor hours worked in the department was 48,000, which were 200,000 hours less than the budget. तो बताया वो आपको budget क्या था, actual दोनों ये भी दिए हैं आपके यहाँ पे। देखिए अब एक तो ये है, इसमें करना क्या है, मैं एक नई चीज देता हूँ यहाँ पे। हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, हमने ये पढ़ा था OAR लेते हैं, उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, OAR को मल्टीप्लाई करते हैं हम एक्चुअल आवर्स के साथ, ऐसे ही है। तो हमारे पास क्या आ जाता है, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आ जाते हैं, उसमें से क्या माइनस करते हैं आप, एक्चुअल ओवरहेड्स यहाँ से माइनस करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये एक्चुअल ओवरहेड्स ये, तो हमारे पास अंडर ये ओवर आ जाता है। अब यहाँ सवाल में हमें बताया आ रहा है कि अंडर एब्जॉर्ब है, ठीक है, और एक्चुअल ओवरहेड्स बी गिवन है। तो वापस सवाल पे जाता हूँ, देखें जरा यहाँ सवाल में क्या बताया, अंडर अब्जॉर्ब कितने 46,400 यानी 46,400 ये आंसर गिवन है, ठीक है। और एक्चुअल ओवरहेड्स कितने गिवन है, एक्चुअल ओवरहेड्स दिए हैं हम यहाँ पे कितने हैं, ये द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इनकर्ड ओवरहेड 680,000 है एक्चुअल ओवरहेड्स 680,000 बेसिस। ये दो फिगर गिवन है, इसका मतलब इसको माइनस करके ही आया होगा, इसको मतलब दोनों को ऐड करके ये फिगर निकलाएगी, ये फिगर निकलाएगी। अच्छा जी अब एक्चुअल आवर्स, जब ये फिगर आ जाएगी आपके पास, एक्चुअल आवर्स कितने हैं, ये कितने एक्चुअल आवर्स हैं, 48,000 एक्चुअल आवर्स हैं, इधर गया यार, एक्चुअल आवर्स 48,000 दिस इज, क्योंकि निकला का रेट निकलना चाहिए, अब तो रिवर्स करके आपने क्या ओवरहेड अब्सॉर्प्शन रेट निकालना है यार, जल्दी जरा रेट निकालें, रेट निकाल के मुझे बताएं। हाँ अभी 13.2 वाली यही है, अभी 13.2 ही है, डन ठीक हो गया, हो गया डन। कैलकुलेट द बजट ओवरहेड एक्सपेंडिचर, ये अब कर लेंगे यार, हो जाएगा बजट ओवरहेड एक्सपेंडिचर निकल आएगा, क्या कहते हैं, यानी बजट आवर्स निकालने थे, एक्चुअल आवर्स कितने दिए उसने सवाल में देखे 48 है, उसने कहा 2,000 की लेस है बजट से, तो 48 को 2,000 को ऐड कर लें तो 50,000 बनता है, यानी बजट आवर कितने हैं 50,000 है और एक्चुअल कितने हैं 48 है, तो 50,000 को बजट रेट पर आवर जो आपने कभी अभी, अभी कितना निकाला है 13.2 से मल्टीप्लाई करना आपने, यानी ये कैसे होगा 48,000 प्लस 2,000 तो कितना बनाइए 50,000, तो बजट आवर कितने आ गए मेरे पास 50,000 आ गए, ठीक है 50,000 मेरे पास बजट आवर्स हैं, इसको रेट पर आवर कितना भी मैंने निकाला जो भी निकाला आपने 13.2 जो भी निकाला अभी आपने उससे मल्टीप्लाई करना हमने 13.2 से, ठीक हो गया। तो बजट ओवरहेड निकला हमारे पास, इसका डिफिकल्ट यार आसान ही है, डन ये भी हो गया। तीसरा यार अगर तीसरा भी कर लें जल्दी से मुझे इसमें होगा, ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, पहले भी हमने निकाला यार दोबारा निकालने, बल्कि दोबारा नहीं निकालने ये हो जाएगा, आई थिंक यू कैन सॉल्व, हमने किया है पहले वॉल्यूम वेरिएंस भी निकाला था एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी निकाला है, यू कैन सॉल्व, क्या ख्याल है, नहीं भी ये सवाल है 10.7 ये सवाल आपने जस्ट रीड आउट करना है,
10.8 देखे ना 10.8 ठीक है 10.8 यू शुड जस्ट रीड आउट 10.8 ये 10.8 एंड इसको जस्ट रीड आउट करना है एक दो मिनट लगाएंगे फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं आई थिंक आप आसानी से कर सकते हैं 10.8 क्वेश्चन रीड आउट करना हाँ जी सवाल में क्या कहा जा रहा है सवाल की बेटा अगर आप पहले रिक्वायरमेंट देखें जल्दी से जरा क्या रिक्वायरमेंट है प्रोड्यूसर ऑपरेटिंग स्टेटमेंट टू रिकंसाइल द बजट एंड एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट आपने रिकंसाइल करना प्रॉफिट्स को ठीक है वेरिएंसेस सारे निकालने यार मुंगजर प्रोड्यूसर प्रोडक्ट इन टेलीस्कोप एंड एक्चुअल रिजल्ट फॉर द पीरियड बाय एस रोज अब एक्चुअल रिजल्ट आपको पहले दिए हैं यानी फॉर 37 यूनिट्स आपने बनाए हैं सेल किए हैं अर्निंग रेवेन्यू एक्चुअली आप कितना सेल कर रहे हैं एक्चुअल रेवेन्यू दीजिए आपको मटेरियल आपको बताया इतना यूज किया आपने 12,000 kg ऑफ मटेरियल पर परचेज कितना हुआ उसका रेट क्या दिया हुआ ये आपको बताया हुआ अब आपको डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने लगे हैं टोटल कॉस्ट कितनी है फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर कितना लगा है सर एक्चुअल है अब स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड फॉर इज एज फॉलोज अब स्टैंडर्ड बताया हुआ स्टैंड 2 kg है रेट पर kg 15 है स्टैंड 4 hours रेट पर आप 8.5 है स्टैंड वेरिएबल फिक्स ये सब कुछ आपको दिया स्टैंड यूनिट सेलिंग प्राइसेस 100 rupees है कॉस्ट कार्ड इज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ 450 यूनिट्स इन ईच पीरियड कंपनी वैल्यूज इन्वेंटरी एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट सब कुछ हम स्टैंडर्ड कॉस्ट पे चलाना है आपने हाँ जी 10.8 में कोई मसला नहीं बेटर सर एक पॉइंट में सवाल है द कंपनी वैल्यूज इट्स इन्वेंट्रीज एट स्टैंडर्ड कॉस्ट इसका मतलब क्या चल सर ये एक थोड़ी सी बात है जो कहीं और नहीं आई थी यहाँ आइए इसको मैं थोड़ा यहाँ पे क्लियर करता हूँ स्टैंडर्ड द कंपनी वैल्यूज इट्स इन्वेंट्री स्टैंडर्ड कॉस्ट इसका मतलब क्या जल्दी बताएं फिर मैं आगे चलता हूँ आइडिया है या मैं बता दूं जल्दी नहीं आइडिया तो मैं बता देता हूँ टाइम वेस्टिंग करते हैं
अगर आइडिया है तो मुझे बता दें। नो आइडिया, फाइन गुड। देखें ये जब सवाल में अगर गिवन हो, हमने मटेरियल प्राइसेस कैसे बढ़ा, यहां मैं थोड़ा क्लियर करूंगा, मटेरियल प्राइसेस बेटा ने कैसे बढ़ाया, मटेरियल प्राइसेस हम यू कर रहे थे, हम यू कर रहे थे नॉर्मली मटेरियल प्राइसेस, मटेरियल गौर से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस हम यू निकाल रहे थे, हम कह रहे थे एक्चुअल प्रोडक्ट यूनिट्स इनटू एक्चुअल यूसेज पर यूनिट, ठीक है ऐसे ही था ना, इनटू फिर यहां में ले रहा था, यहां में ले रहा था स्टैंडर्ड रेट, फिर इसी तरह एक्चुअल प्रोडक्ट यूनिट्स इनटू एक्चुअल यूसेज पर यूनिट इनटू एक्चुअल रेट, ऐसे था ना बेटा, इनको मल्टीप्लाई करके हम यहां पे क्या ले रहे थे, यहां ये मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा था, हम ले रहे एक्चुअल यूसेज, एक्चुअल क्वांटिटी, यहां पे भी क्या रहा था एक्चुअल यूसेज, ये ले रहे थे हम। अगर सवाल में अगर आपने एक्चुअली क्वांटिटी जो आपने परचेज की और एक्चुअल क्वांटिटी जो आपने इस्तेमाल की, इसमें फर्क है, जैसे जैसे कि मैं इसी सवाल में जाता हूं, ये जो सवाल था इसमें सिर्फ ये वाला पॉइंट में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे ये सवाल है बेटा, इसमें अब आएंगे जरा, जैसे आप देखें आपको 10.8 में देखें बताया हुआ कि मटेरियल आप तरह करें कि 430 यूनिट्स मेड एंड सोल्ड, 430 यूनिट बनाए सेल की, रेवेन्यू बता दिया आपको, मटेरियल 1075 केजीज वर यूज्ड, कितना क्वांटिटी इस्तेमाल हुआ 1075 केजीज वर यूज्ड, और 1200 केजीज ऑफ द मटेरियल वर परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 17,700, ठीक हो गया। अच्छा अगर ये सवाल साइलेंट होता तो हमने कितनी क्वांटिटी यूज की बेटा, 1075, तो मैं यहां सवाल में क्या करता, मैं यहां 1075 केजी इस्तेमाल करता, यहां में भी 1075 केजी इस्तेमाल करता और इसी तरह स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई करके आंसर निकल आते। लेकिन अब उसने बताया हुआ है कि हमने क्या किया, हमने परचेज कितना किया, सवाल में क्या बताया उसने, उसने बताया सवाल में हमने परचेज की 1200 केजी इस्तेमाल किया 1075, तो ठीक है हम जो इस्तेमाल की उसी को यूज करेंगे, नॉर्मली ऐसा होता अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो। लेकिन यहां उसने कहा है कि इन्वेंट्री विल बी वैल्यूड एट द स्टैंडर्ड कॉस्ट, इसका मतलब है कि हमने 1200 जो स्तंभ परचेज किए हैं उसमें कुछ यूज कर लिए हैं, बाकी इन्वेंट्री में चले गए, बाकी इन्वेंट्री में कितने गए यार, डिफरेंस बताना मुझे जल्दी जरा, 1200 - 1075 जल्दी बेटा डिफरेंस क्या है, 125। अब ये 125 कहां है कि इन्वेंट्री में, और सवाल में उसने बता दिया है इन्वेंट्री विल बी वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट, इसका मतलब है कि इन्वेंट्री को भी स्टैंडर्ड कॉस्ट पे वैल्यू करना है, इसका मतलब इन्वेंट्री का भी रेट क्या होगा, वो यही होगा जो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट चल रहा है वही रेट होगा। अगर ये सवाल में लिखा हुआ है तो फिर हम ये सवाल नहीं करेंगे, वी विल नॉट यूज दिस, यहाँ पे फिर हम मैं 1200 से इसको सॉल्व करूंगा, ठीक हो गया, 1200 से मैं जाके इसको स्टैंडर्ड फ्रैक्चर रेट पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपने जितनी क्वांटिटी यूज की बैठे 1075 वो वाली क्वांटिटी से हम प्राइस वेरिएंस निकालेंगे। अगर वो क्वेश्चन में कहता है कि हम इन्वेंट्री को स्टैंडर्ड पे वैल्यू करते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ठीक है जो इस्तेमाल हुआ जो इन्वेंट्री में पड़ा सारा मिलाकर टोटल परचेज को हम यहाँ रिपोर्ट करेंगे, यानी इन्वेंट्री भी इसमें डाल देंगे कि इन्वेंट्री भी स्टैंडर्ड रेट पे ही चल रही है तो इन्वेंट्री भी इसके अंदर ही ट्रीट हो रही होगी। बात ठीक होगी बेटा, जब तक सवाल नहीं आता ना पिक नहीं होती बात, यानी अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो फिर आप एक्चुअल यूसेज 1075 से सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर सवाल में लिखा हुआ है कि इन्वेंट्री को वैल्यू करना है स्कैन रेट पे, फिर आप टोटल परचेजेस लेंगे, टोटल परचेजेस यानी इन्वेंट्री इसमें शामिल कर लेंगे, आप टोटल परचेज 1200 के 1200 यहां पे अपोर्ट करेंगे और 1200 से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ जी बेटा पॉइंट पिक कर लिया आपने, गॉट द पॉइंट, फाइन, तो ये आपको क्लियर हो गया, गुड। यानी ये बेसिकली पॉइंट था इस सवाल में, इस सवाल में यही पॉइंट है यार, बाकी सवाल सॉल्व हो जाए तब मुझे आप खुद बता दें, सवाल को पढ़ के क्या लग रहा है आपको, आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, नहीं कर सकते क्यों, जल्दी बताएं, ये हो जाएगा सॉल्व यार,
इसके पिछले वाला सवाल है 10.7, ये भी एक मिनट जब देख लें इसको, शायद भी पॉइंट निकली है जो मुझे बताना पड़े, एक मिनट देखें मुझे इसको. पहले बड़े सवाल को कोई पॉइंट निकला था, ऐसी बात बताने वाली निकला थी. कोई नई बात नहीं है इसमें, पूरे सवाल में आपको स्टैंडर्ड सब बताया हुआ आपको पहले, स्टैंडर्ड मटेरियल लेबर आवर वीक्स कितना है और 1100 में, ये आपने यार ट्राई कर लेना खुद, ठीक है, आपने खुद सॉल्व कर लेना है, कोई बात हुई तो वो भी डिस्कस स्टार्ट. इसमें रीजंस भी आपने बतानी है, ये रीजंस वाला जो हमने एक पोर्शन पढ़ा था ना, वो रीजंस वो भी आपने देखनी है कि रीजंस क्या क्या थी, ठीक है. हाँ बिल्कुल बेटा, ऐसे ही मतलब 25 यहाँ लेंगे, उसमें सवाल में लिखा हुआ है स्टैंडर्ड, तो इसको वाले करेंगे, बिल्कुल बात ठीक होगी आपकी. लेकिन आई थिंक इस सवाल में बेटा आपको मटीरियल, हाँ ठीक हो गया, इसी तरह से हम यूज करेंगे, बिल्कुल फाइन. यानी इस सवाल में हमें जो मटेरियल परचेज है वो कितना दिया हुआ है, वो क्वांटिटी और जो मटेरियल हमने यूज की वो क्वांटिटी में फर्क है, तो उस फर्क होने की वजह से हमारा हम वेरियंस को डिफरेंट अंदाज निकालेंगे. ये जब हम मटेरियल प्राइस वेरियंस निकालेंगे कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम 6600 यूज करेंगे, 6600 दिए, ठीक है. हम यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व ऑन करेंगे, यहाँ से बताया 6600 आपने परचेज किए हैं बॉट, और जो आपने यूज किए हैं 6300 है, तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे हम 6600 को यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ 6300. हाँ अगर लाइन ना लिखी होती तो फिर आप 6300 से इसको सॉल्व कर सकते थे. इज इट डन, यहां तक कोई इशू नहीं है. 10.8 भी हमने कहा हो जाएगा, 10.9 सेल प्राइस वेरिएंस है, सेल वॉल्यूम वेरिएंस है, प्राइस वॉल्यूम है, आसानी से निकलेगा यार, क्या कहते हैं आप. हाँ अभी खत्म करते हैं यार, थोड़ा सा मैंने लेट स्टार्ट किया तो इसलिए थोड़ा आगे चल रहा हूँ,
और वैसे भी आजकल कोई क्लास नहीं और आपके इसलिए यूज कर रहा हूँ। वैसे भी ईद में आपने काफी छुट्टियां कर ली हैं इसलिए आपको ज्यादा बढ़ा रहा हूँ। कितनी छुट्टियां हमने की, कितना टाइम आपने स्पेंड किया? संडे मंडे ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे, 5 छुट्टियां की आपने यार, 5 हॉलीडेज, इसलिए आपको थोड़ा करा रहा हूँ। हाँ जी, 10.9 को देखें जरा। मैं भी इसलिए नया टॉपिक नहीं पढ़ा रहा ना, आपको क्वेश्चन इसलिए कराई जा रहा हूँ यार, जिससे आप पीछे प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आसानी से आप कर भी लेंगे। सेल प्राइस रेंज बताया हुआ, तीनों प्रोडक्ट्स का आपने बताना है, सेल वॉल्यूम रेंज प्रॉफिटेबल बताना है। ओ शिट यार, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी। यार रिकॉर्डिंग भी ऑन नहीं थी, ये तो मसला हो गया यार। अली यार तुम अभी बता रहे हो यार, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी, शुरू बता दो मुझे यार। ये मैंने कैंपस दूसरे में आया ना, तो लड़का भी ज्यादा ही है। किधर है यार ये? रिकॉर्डिंग का बटन चला यार, रिकॉर्डिंग ऑन कब करनी, रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं हुई। चले खैर, मैंने इसमें आपको करवाया क्या, कौन कौन से क्वेश्चन करवाए हैं आपको? मैंने यार आपको क्वेश्चन जो करवाए हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन करवाए हैं? क्वेश्चन ही करवाए हैं आपको। हमने कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस किए जरा बताएं मुझे। 10.4 हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया एक। सॉरी यार, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी यहाँ पे, इसलिए थोड़ा मसला है। लेकिन जिन लोगों ने ये लेक्चर ये देखना होगा, तो 10.4 हमने क्वेश्चन देखा है, 10.5 देखा है, 10.6 है, 10.7, 10.8, ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हमने पूरे सॉल्व किए हैं, बाकी हमने डिस्कस किए हैं। किसी क्वेश्चन में कोई मसला होगा बता दीजिएगा, आई थिंक वी कैन सॉल्व इजीली। ठीक है, तो मुझे आइडिया नहीं था कि आज वो रिकॉर्डिंग वाले ऑन नहीं है, वो सब कुछ ऑन था तो मैंने आगे जाते सा लेक्चर शुरू कर दिया, तो बाद में मुझे आइडिया होगा रिकॉर्डिंग तो ऑन ही नहीं की, रिकॉर्डिंग के बगैर नहीं चलाई जा रही थी लेक्चर। खैर, नो इशू यार, इसमें हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। कल हमारी क्लास, कल के बता दो मुझे, कल की टाइमिंग क्या रखी है, कल क्लास की टाइमिंग क्या होनी चाहिए? साढ़े आठ, 9 कर लेते हैं, ये सैटरडे है तो 9 बजे लेके हम 10:30 11 बजे तक चले जाएंगे, ज्यादा पढ़ लेंगे आराम से। 9 बजे स्टार्ट कर लेते हैं, उसमें ज्यादा कर लेंगे हम। सुबह सुबह सैटरडे वाले दिन उठना मुश्किल हो जाता, तो 9 बजे हम स्टार्ट कर लेंगे और इंशाल्लाह 11 बजे तक चलेंगे हम, ज्यादा पढ़ेंगे इसमें। अच्छा, जिन लोगों ने ये बाद में लेक्चर, बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर जो बाद में सुन रहे होंगे, मैं बता दूं कि रिकॉर्डिंग इसकी नहीं हुई। मैं इसमें बता देता हूँ आपको कि 10.4 क्वेश्चन मैंने पूरे वेरिएंसेस के सॉल्व किए हैं, 10.4 और 10.5 हमने पूरे पूरे सॉल्व किए हैं, 10.6 भी हमने देखा। आप सब लोग ट्राई कीजिएगा ये क्वेश्चंस को, जिस क्वेश्चन में या किसी भी वेरिएंस में, किसी एक वेरिएंस में भी आपको मसला आएगा तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज कोई इशू नहीं है इसके अंदर, वी विल मैनेज दिस। ठीक है, किसी को किसी एक वेरिएंस में भी मसला आएगा तो बता दीजिएगा। अभी कल का दिन भी है, कल भी मैं आपको कोई क्वेश्चन करवाऊंगा और अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा, जो अगर अच्छे अच्छे मिल गए तो, अदरवाइज नॉर्मली क्वेश्चन का पैटर्न यही है, इसी पैटर्न में ही वो क्वेश्चन पूछा होता है, इसी पैटर्न में आपने क्वेश्चन को बताना होता है, नॉर्मली वो इसी पैटर्न में बोलता है और इसी पैटर्न में हमने उसको बताना होता है।
लेकिन फिर भी मैं देखूंगा अगर कोई हट के अगर कोई सवाल कुछ मिलते हैं तो आई विल ब्रिंग दैट और हम उसको यहाँ डिस्कस कर लेंगे. आपको 8 नंबर का, 10 नंबर का, 12 नंबर के वेरियंसेज आ सकते हैं. नॉर्मली उसका पैटर्न क्या है, नॉर्मली वो आपको 4-5 वेरियंसेज देगा और 4-5 वेरियंसेज में से वो कहेगा कि इसके वेरियंसेज को एक तो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड देखा. आपको फॉर्मूला अच्छी तरह याद है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड को बड़ी जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं तो बड़ी जल्दी उसमें आपकी वो हो जाएगी, टाइम सेव होगा इसके अंदर आपका पेपर में. तो 9-10 उसमें आपको 2-2 नंबर के वेरियंसेज करके आपको 4 वेरियंसेज दे के और फिर 2 नंबर में एक्सप्लेनेशन इस तरह से मांग लेगा, 10 नंबर में, 12 नंबर में, 8 नंबर में, इस तरह करके. तो मेन थिंग इज दैट कि आपने फॉर्मूले सारे क्रैम करने हैं, याद करने हैं. ठीक है, कल मैं कोशिश करूंगा, कल मैं मिक्स वेरियंसेज के सवाल जो है ना, तो आज हमने सिंपल वेरियंसेज को देखा हमने, कल मैं मिक्स वेरियंसेज के सवाल जो होंगे वो सॉल्व करवाऊंगा मिक्स वेरियंसेज के. ठीक है जनाब, तो आज के लिए काफी है ये. ठीक है, किसी और बच्चे ने जब ये रिकॉर्डेड लेक्चर सुने का कोई मसला इसमें आया तो यू शुड डिस्कस विद मी. मैंने 10.4, 10.5, 10.6 ये हमने कंप्लीटली किया और आगे हमने 10.7, 8 हमने जस्ट डिस्कस किया है कि कैसे होना सॉल्व. तो मसला होगा तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, हम इसको देख लेंगे. रिसेंट पास्ट पेपर में देखूंगा, क्योंकि रिसेंट पास्ट पेपर में अच्छा सवाल मिला तो बेटा हम जरूर इसको कल करेंगे. ऐसा सवाल जो इससे थोड़ा मुश्किल हो, अगर बहुत आसान हुआ तो आई विल नॉट डिस्कस दैट, यू कैन सॉल्व. तो वो आसान ही, उसमें 4 में है, 3 वेरियंसेज दिए हमें, देख लेंगे. अगर उसमें कोई ऐसा अच्छा होगा जो थोड़ा मुश्किल होगा तो फिर मैं उसको करवाऊंगा. ठीक हो गया नाम, तो थैंक यू वेरी मच. इंशाल्लाह कल 9 बजे हम स्टार्ट करेंगे, फॉर टुमारो 9 o'clock, 9 o'clock विल स्टार्ट. So thank you very much, madam. Thank you very much.